सनाए सरकार ऑफिशियल चैनल। जमाना जानता है कि जब आपका सर सजदे में था कि उस वक्त सनान बिन अनस ने आपके सर को काटा, या खोली बिन यजीद ने काटा, या शिमर ने काटा। इख्तलाफात है रिवायात के अंदर, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त सर जो था वो सजदे में था, और सजदे की हालत के अंदर दस्ते कातल ने सरे हुसैन को तने हुसैन से अलग किया। ये दुनिया के सामने हजरत इमाम ने अपना उस्वा रखा कि यही तो पैगाम मैं देने आया हूँ, यही तो जो है वो तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम करनी थी कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौखट पर झुकेगा। यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता है। तो हजरत इमाम हम्माम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेगजार में जब 72-73 लाशें खेमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म कलेजे पे थे, रावी कहता है कि जब आपकी कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, 34 घाव तलवारों के थे। इतने जख्म जिस्म के अंदर और जिस्म चूर है जख्मों से। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिकज़ाए का व सबरन अला बलाए का तस्लीमन ले अमरे का सुबहान रब्बी अल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्करा रहा हूँ, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख में राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रिजा पे राजी है, मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्द गुरूब से जर्द हो रहा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ूं। आओ हम सलाम करते हैं, ये सूरज सामने चमक रहा है, मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा। ए सूरज दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था, जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है, हुसैन कहाँ छोड़ाया है। आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया। आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, तुम शोर डाल रहे हो, जिनके लिए मस्जिदों में कालीन बिछे हुए हैं, गर्म पानी दस्तयाब है और उनके लिए मस्जिदों में आसाइशें मौजूद हैं, और फिर भी वो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। जरा देखो हुसैन इब्ने अली को, सजदे में सर रख के पेशानी रब के हुजूर रख के हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं, मालिक मैं सर कटा के भी तेरे हुजूर हाजिर हूँ और तुझ पे राजी हूँ, तू भी बता के तू भी हुसैन पे राजी है या नहीं है। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला चमन, ऐ चमन अंदर चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ऐ हयात अंदर हयात अंदर हयात, इफ्तखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। आज हम नाज करते हैं हुसैन इब्ने अली पे, हम आ हुसैन वाले नहीं है, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, इतने जख्म कलेजे पे हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन जबर के खिलाफ कितनी कुव्वत से खड़ा है। हुसैन इब्ने अली ने अपना नमूना लोगों के सामने रखना था। इकबाल कहता है, सुरख रू इश्के गयूर अर्ज खूने हु, शौकिये इन मिसरा अर्ज मजमूने हु। यजीद मिट गया, यजीद का नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मरता तो वो है जिसकी फिक्र मर जाए, मरता तो वो है जिसका नस्बुलैन मर जाए, मरता तो वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए। हुसैन का नस्बुलैन जिंदा, हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना भी जिंदा। आज भी हजारों करोड़ों अरबों इंसान हुसैन का नाम लेके जी रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई यजीद का नाम भी लेता है तो वो सर झुका के देता है। कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेते हुए भी तुम्हें शर्म आती है,
नाम लेने से पहले सर झुकाते हो, नाम लेते हुए पसीना पसीना होते हो, नाम लेने के बाद मुंह छुपा लेते हो। तुम्हें अपने कायद और अपने लीडर का नाम लेते भी शर्म आती है, और जब हमारे लबों पे नाम हुसैन आता है हमारा कद ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है। फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो हुसैन इब्ने अली ने किसी ने कहा था कि ये दो शहजादों की जंग थी, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा करबला जंग थी अगर दो शहजादों की, कलम में जोर है तो लिखो हुसैन हार गए, लहजे में तनतना है तो लिखो हुसैन हार गए, अंदाज में जोर है तो कहो हुसैन हार गए। जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सरनवर काट लिया गया और खोली बिन यजीद ने नेजे की नोक पे उसको रखा, वैसे रुख सर का जमीन की तरफ से था, किसी ने क्या खूब कहा बांह के सर नेजे पे और सूए जमीन है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के दो सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सरे अनवर जुदा कर लिया गया, जब नेजे की नोक पे था सर तो रुख जमीन की तरफ से था। शायर कहता जरा गौर से देखो सरे हुसैन क्या कह रहा है, सरे हुसैन की पेशानी जमीन की तरफ है, पेशानी में दूसरे सजदे की आरज़ू मचल रही है। तो जब इमाम हुसैन का सर खोली ने नेजे की नोक पे चढ़ाया, उसने तो यह कहना चाहा था कि हम फतह याब हुए और देखो हमने सर काट लिया, किसी ने कहा जरा गौर से देखो ये तो सर कट के भी सर बुलंद है, ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है, इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है। हुसैन का सर कल भी ऊंचा था, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है, उसका नाम जिंदा, उसका पैगाम जिंदा, उसकी फिक्र जिंदा। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था, इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने जैनब और जैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा, 14 साल की उम्र है, बीमार हैं, तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत जैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया, जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली असगर का तड़पना याद आता है, सारी जिंदगी पर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ने यह सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था, और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का ये काफिला अपनी कयादत के अंदर जो है वो गुजारा था। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाद लोग यहां से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं, यहां किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके टसले थे जो वो बहाने लगा, लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरजा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, बदन कांपता है उनका, कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहां अपनी छड़ी हटा ले, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से मोहू, हुजूर ने इन होंठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कपकी भी तारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी चार बातें मान लो, उन चार बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सके, दूसरी यह था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो, तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर, चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातलाने हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा कौन है कातिल हुसैन का, लोगों ने कहा खोली है, खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस नखी ने किया है। सनान बिन अंस नखी को कहा हाँ तू बता, कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया है। शिमर जिल जोशन को कहा तू बता, कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो ये है वो है कातिल हुसैन का,
اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو. اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں. جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے، یزید بھی بیٹھا تھا، ایان سلطنت بھی تھے، عوام کا بھی ہجوم تھا. جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تاز ہونے لگے، اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے، آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکہ میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا گورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باطن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا، زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں. صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں. یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں. کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا. آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں. آپ سامعین سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں. مزید ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.